सो गाइज आज मैं अभी नैनी में हूँ, जो रोड जाती है मिर्जापुर की तरफ ये इस साइड से। सो मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा कि इलाहाबाद में जितनी भी वॉल पेंटिंग्स बनी हुई है और जितनी काफी अच्छी वॉल पेंटिंग्स है, जैसे कि नैनी जेल के बाउंड्री पे बनी हुई है। मैं आया था यूनाइटेड टावर अपने कुछ वर्क से, तो वो वर्क मैं अपना कर लिया हूँ, वो काम मेरा हो चुका है। और मैं दिखाता हूँ जो प्रयागराज में पेंटिंग्स जितनी भी बनी हुई हैं, काफी अच्छी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। काफी अच्छे कलाकारी की गई है उसके अंदर। सो इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं यहीं पे। सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड द वेलकम टू द व्लॉग। पूरा देखना है, अगर पेंटिंग पसंद आती है सो लाइक फॉर प्रयागराज। सो लेट्स गो। सो गाइस अब डायरेक्ट वहीं पे चल रहा हूँ जहाँ पे वॉल पेंटिंग्स वगैरह हैं प्रयागराज में, और आपको दिखाता हूँ मैं डायरेक्ट वहाँ पे। और इस टाइम मैं भी आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, एक्चुअली मैं भी कार ड्राइवर हूँ, जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो गाइस ये नैनी जेल की जो बाउंड्री है, ये वहाँ की पेंटिंग है, आपको मैंने अभी दिखाया ही है। सो वहाँ तक है पूरी, ऑलमोस्ट पूरी बाउंड्री पे है, और बाकी आगे की जितनी भी पेंटिंग्स बनी है मैं वहाँ की आप लोगों को दिखाता हूँ। सो वीडियो में बने रहिएगा। ब्रिज पे भी आपको देख रहा होगा, इधर भी काफी अच्छी पेंटिंग्स बनी है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी पेंटिंग्स बन चुकी है। सो गाइज अभी 5:30 बज रहे हैं और ठंड का टाइम है, अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है। स्ट्रीट लाइट्स एलईडी काफी ज्यादा अच्छी लग गई हैं, तो पेंटिंग्स अगर कायदे से विजिबल होती है तो मैं आप लोग को वो भी दिखा दूंगा। कुछ खाने पीने के लिए रुका हुआ हूँ, एक्चुअली में बिरयानी आ रही है बगल से। गाइज ऑलमोस्ट रात हो गई है, आप लोग को दिख ही रहा होगा, मैंने ये आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। और अब देख लीजिए आप लोगों के लिए कार ऐसे रोड पे मैंने लगा के, सिर्फ उधर साइड वाली पेंटिंग आप लोगों को दिखाने के लिए लगाया हूँ। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चलते हैं, आपको दिखाते हैं उधर का जो भी पेंटिंग का जो भी व्यू है। ओके ये गाइस उड़ता हुआ घोड़ा है आप लोगों को जैसा कि दिख ही रहा होगा, और ये देखिए आप लोग भी, रात का टाइम है, थोड़ा सा कमी दिख रहा होगा, एक्चुअली में थोड़ा सा टाइम का भी दिक्कत था मेरे को। ये देखिए और इधर लाइन से गाड़ियां लगी है, तो इसलिए मैं इधर दिखा नहीं पाऊंगा। बाकी बनाने का जो भी इन्होंने ट्रिक यूज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया है इन्होंने, जैसा कि आप लोगों को मैं दिखाई दिया हूँ, मतलब हैंड टैलेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट 16 करोड़ का था, होप सो शायद मैंने आपको बताया था। और ऐसे ही प्रयागराज में काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनी हुई है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मेहनत से बनाई गई है, और इसमें गंदगी ना की जाए। अगर प्रयागराज से कोई वीडियो देख रहा है, रात ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, अंधेरा हो चुका है। एंड गाइस ये चौहटका वाला फ्लाई ओवर है, चकिया फ्लाई ओवर, जो कि ये महिला ग्राम से चढ़ के डायरेक्ट रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ उतारता है। जो प्रयागराज से उनको मालूम होगा, बाकी जिनको नहीं मालूम है वो मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया हूँ। ऑलमोस्ट रात का 8:00 बज रहा है। सो होप सो गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके उसे ग्रे कर देना। और कोई भी कीमती फीडबैक और सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जिस पे गौर किया जाएगा। सो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, राइट हियर राइट नाउ, साइनिंग ऑफ निखिल वर्मा, बाय बाय।